नमस्कार किसान भाइयों, मैं अक्षय जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, ये देखिए, अब की बार क्या है कि नरमे की जितनी भी फसल है तो उनके अंदर एक रोग है वो सामने आया है, विल्ट रोग। तो इससे देखिए किस प्रकार हो जाता है, पौधा झुलसा हुआ सा दिखाई देता है। तो इसको रोकथाम करने का तरीका बताएंगे आज हम, देसी, बिल्कुल देसी तरीका है किसान भाइयों। एक साइड में ये देखिए, मतलब इसमें रोकथाम हो चुकी है विल्ट रोग की। नरमे की फसल आई है बीटी 773, जो कि राशि सीड्स का है, और 776, इन दोनों में क्या है कि ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये रोग है, जो विल्ट रोग जिसे बोलते हैं। ये देखिए, पूरी तरह से बूटा है इसका, जो नरमे का वो ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल मर चुका है ये बूटा। तो अभी इसका तरीका बताएंगे, देखिए किस प्रकार से ये इतनी, मतलब कि पूरे खेत के अंदर एक बार ये खराब होने लग जाए, फिर दोबारा से क्या है कि अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो सारी फसल है वो नष्ट हो जाएगी इस प्रकार से। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरे किसानों तक, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी फायदा पहुंच सके ये हमारी इस वीडियो से। तो देखिए कितना शानदार नरमा था यार, और ये देखिए हाइट देखिए नरमे की, बट ये जो विल्ट रोग है इसके कारण सारा चौपट हो चुका है। ये देखिए किस प्रकार से फसल है ये नरमे की, जो खराब हो चुकी है। मतलब कि अभी इसके अंदर क्या है कि राउंड बनने लगे हैं अलग अलग जगह पे, कलोनीज है जो, और कई जगह पे ये देखिए ये सही है जैसे। तो क्या है कि देसी तरीका है वो आज हम बताएंगे। ये मेरी मेरे खेत में है, खुद के खेत में। ये देखिए मेरे खेत में 15 बीघा नरमा है जो, तो वो विल्ट रोग से ग्रसित हो चुका है। तो इसके लिए हमने एक देसी इलाज यानी कि देसी तरीका ढूंढ निकाला है। तो देखिए किस प्रकार से चौपट हो चुकी है फसल विल्ट रोग से। सभी किसान भाई एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, तो मैं आपको बताऊँगा इसका देसी इलाज, ताकि आप अच्छी फसल उठा सकें। यानी कि नरमे की फसल है तो इसका पैदावार है वो ढंग से हो सके। अगर आपकी फसल अभी इस प्रकार की है, यानी कि हरे बूटे जो इसके पौधे हैं वो हरे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर एक बार ये रोग आ गया तो उसके बाद में सही होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों। तो देखिए क्या है कि ये सभी नरमे की जितनी भी है बीटी कॉटन की फसल, उनके अंदर देखने को मिल रहा है ये रोग है जो। तो देखिए इसका देसी तरीका मैं बताऊं किसान भाइयों क्या है। आप पानी लगाइए, और पानी के साथ ही इस रोग की रोकथाम है वो हो जाती है। यानी कि जितने दिन जमीन है जो गिल्ली रहती है, उतने दिन क्या कि नरमा है वो बूटा, तो वो मतलब ख़राब नहीं होता है। तो देखिए हमने तो ये ट्रिक आजमाई है और बिल्कुल काम कर रही है किसान भाइयों। नहीं तो ये देखिए मेरे खेत में लगभग नरमा है जो चौपट हो जाता, तो इसलिए ये देखिए पानी लगा रहे हैं हम। तो ये देखिए पानी खड़ा है, इसके अंदर नाली बनी हुई है जो, या खाड़ा बोलते हैं इसे। तो इसके अंदर देखिए अभी क्या है कि हमने तो पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है ट्यूबवेल से। ये देखिए पानी, तो इससे अच्छी रोकथाम हो रही है इस रोग की किसान भाइयों। और किसी भी पेस्टिसाइड के पास ना जाएं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो होते हैं स्टोर वाले, तो ये आपको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ठगने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से। क्या है कि अब की बार ये देखने को मिला है विल्ट रोग है जो, तो ये जो फसल है आड़ी है गिरी हुई है, तो इसका तो ये हुआ कि बारिश होने के बाद ये फसल है जो, मतलब कि मिट्टी है वो ज़्यादा मुलायम थी, इस कारण टेढ़ी हो चुकी है ये, और काफ़ी शानदार था नरमा। तो इसके अंदर ये देखिए ये विल्ट रोग के कारण, तो अभी क्या कि पानी लगाने के बाद देखिए वापस से हरियाली स्टार्ट हो चुकी है नरमे के अंदर। तो किसान भाई, वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दूसरे किसान भाइयों तक, ताकि जिस भी किसान भाई के खेत में विल्ट रोग से ग्रसित नरमा है
तो वो इससे बचत कर सके अपनी फसल की और अच्छी पैदावार है वो उठा सके। तो किसान भाइयों यार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक पे। तो लव यू ऑल, धन्यवाद। मैं आपका भाई अक्षय जाखड़। और एक बात और कहना चाहूँगा, लिंक का जो एक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है उसे क्लिक करके आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल।